डोली में चुड़ैल। रूपनगर नाम के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक सेठ रहा करता था। आज उसके बेटे रमन की शादी थी। श्याम ने अपने बेटे रमन की शादी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से करवाई थी। शादी पूरी होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। साथ में वो दुल्हन को एक डोली में बैठा कर ले जा रहे होते हैं। दूल्हा और बाकी के सारे लोग डोली के पीछे चल रहे होते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी का समय होता है, इसीलिए ज्यादा धूप होने की वजह से सब बहुत जल्दी थक जाते हैं और डोली उठाने वाला श्याम से बोलता है, साहब जी, हम काफी देर से चल रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। मेरी मानो तो हम लोग कुछ देर यहाँ पर बैठकर आराम कर लेते हैं, बहू रानी भी बहुत ज्यादा थक गई होंगी। हाँ, तुम सब सही बोल रहे हो, अभी हम सबको काफी दूर भी जाना है। एक काम करते हैं, हम उस पेड़ के पास बैठ जाते हैं। जिसके बाद सभी लोग डोली को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं और रमन डोली में बैठी अपनी दुल्हन से बोलता है, अनोखी, अभी हमें बहुत दूर जाना है, सभी लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसीलिए हम सब यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर आराम कर रहे हैं। हम सब खाना खा रहे हैं, अगर तुम्हें भी कुछ खाना हो तो मुझे बता दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप सब खा लीजिए। अच्छा ठीक है, हम सब पास में ही बैठकर खाना खा रहे हैं, तुम डोली के अंदर ही रहना, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या कोई दिक्कत हो तो तुम मुझे आवाज दे देना। ठीक है रमन जी। अच्छा रमन जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मेरे लिए पानी ला सकते हैं? हाँ हाँ अनोखी, क्यों नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर रमन अपने पिताजी के पास जाता है और पानी मांगता है। तभी श्याम बोलता है, क्या बहू को प्यास लगी है? पर पानी तो खत्म हो चुका है, अब हम क्या करें? कोई बात नहीं मालिक, आप मुझे बोतल दे दीजिए, मैं नदी से अभी पानी भरकर ला देता हूँ, नदी यहीं पास में ही है। श्याम डोली वाले को पानी भरने के लिए बोतल दे देता है। डोली वाला पानी भरने के लिए समुद्र के पास जाता है। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनते ही कौन है? डोली वाले के आवाज देते ही वो डरावनी आवाज बंद हो जाती है। लगता है ये किसी बच्चे की शरारत है जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, आजकल के बच्चे बड़े बदमाश हो गए हैं। इतना बोलकर डोली वाला बोतल को नदी में डुबोकर उसमें पानी भरने लगता है। तभी उसे नदी में एक चुड़ैल दिखती है। उसे देखते ही डोली वाला बहुत जोर से डर जाता है और उठकर भागता है। अरे भागो यहाँ से, यहाँ तो चुड़ैल है। डोली उठाने वाला चलता हुआ श्याम के पास जाता है और हाँफते हुए श्याम से कहता है, साहब जी, यहाँ से जल्दी चलिए, यहाँ रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा, मैंने नदी के पास एक चुड़ैल देखी है। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, चुड़ैल जैसी कोई चीज नहीं होती है। पिताजी, अगर ये बोल रहा है तो इनकी बात मान लेनी चाहिए, चलते हैं ना यहाँ से, ऐसे भी हमें काफी समय हो चुका है, घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, अनोखी भी बहुत ज्यादा थक गई है, उसने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छा ठीक है, चलते हैं। डोली वाले, तुम डोली उठाओ। अब सभी वहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और अपना अपना सामान उठा लेते हैं। तो वहीं डोली वाला डोली उठाता है कि तभी जोरों से वर्षा होने लगती है, जिसके बाद श्याम बोलता है, अरे ये बिन मौसम बरसात कैसे हो गई, अब क्या करें। बारिश और तेज होती जा रही थी, सभी लोग बारिश में पूरी तरह से भीग गए थे। तभी उन्हें एक बार फिर से डरावनी आवाज सुनाई देती है। वो डरावनी आवाज सुनकर अब श्याम को भी यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है, जिसके बाद श्याम बोलता है, अरे बारिश में भीग तो हम चुके ही हैं, आखिर हम रुके क्यों हैं? अगर हम अब और थोड़ी देर रुके तो ये चुड़ैल हमारा खून पी जाएगी, इसीलिए मेरी मानो तो यहाँ से जल्दी से भाग चलते हैं। श्याम के ये बोलते ही सभी लोग अपना अपना सामान उठाते हैं और डोली वाला डोली उठाता है और वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी अचानक से बारिश बंद हो जाती है और तेज धूप निकल जाती है। सभी लोग थोड़ी ही दूर पहुँचते हैं कि अब डोली भारी होने लग जाती है और डोली वाला रमन और श्याम से कहता है,
साहब पता नहीं, पर डोली बहुत भारी हो गई है। पहले ये डोली इतनी भारी नहीं थी, पर अब हम दो जनों से ये डोली नहीं उठाई जा रही है। काम चोरी की भी हद होती है, तुम अपना काम सही से करो, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही पैसे एडवांस में दे दिए थे, और अब मैं पूरी पेमेंट भी कर चुका हूँ। तब डोली तुम ही उठाकर ले जाओगे, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। जी साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम बहू रानी की डोली अब उसके ससुराल में ही उतारेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डोली वाला जैसे तैसे डोली उठाकर ले जाता है। सभी लोग अपनी जान बचाकर घर आते हैं। घर आने के बाद श्याम अपनी बीवी को सारी बात बताता है, जिसके बाद श्याम की बीवी बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सब सही सलामत आ गए, पर मुझे बहू को घर में लाने से पहले बहू की नजर उतारनी होगी, और आप सबकी भी। कहीं ऐसा ना हो कि उस चुड़ैल का बुरा साया अब आपके पीछे हो। इतना बोलकर श्याम की बीवी घर में से आरती की थाली लाती है और कुछ लाल मिर्च भी। श्याम की बीवी जैसे ही नजर उतारने के लिए आगे बढ़ती है, उन सभी को एक बार फिर से चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। और जब श्याम की बीवी डोली के अंदर अपनी बहू को देखती है, तो वो देखती है कि डोली के अंदर एक चुड़ैल बैठी है। ये देखकर उसके हाथ से आरती की थाली नीचे गिर जाती है और वो जोर से बोलती है, अरे डोली में तो चुड़ैल है, हमारी बहू कहाँ गई? तभी वो चुड़ैल डोली से बाहर आ जाती है और बोलती है, अब मैं तेरी बहू हूँ, तेरी बहू को जहाँ पहुँचना था मैंने उसे पहुँचा दिया। पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, और तुम मेरी बीवी की डोली में क्या कर रही हो? मुझे मेरी बीवी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तुम इतनी जल्दी भूल गए? रमन, तुम भूल गए मैं आशा हूँ, तुम्हारी आशा। आशा का नाम सुनते ही रमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल रमन से कहती है, मेरा नाम आशा है। मैं रमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी जात हम दोनों के प्यार के दुश्मन बन जाएगी और रमन बदल जाएगा। रमन ने अपना प्यार साबित करने के लिए मुझसे शादी कर ली और मेरे घर आकर मेरी विदाई के लिए बात की। मेरे पापा ने मुझे डोली में बिठाकर विदा किया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर रमन को गांव वालों से पता चला कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, साथ में एक छोटी जात की लड़की हूँ, और मेरे पिताजी जूता सिलने का काम करते हैं। जब ये बात रमन को पता चली तो रमन ने रास्ते में ही मुझे डोली से उतारा और मुझसे कहा, आशा मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि तुम एक छोटी जाति की हो, और हम सेठ मेरे पिताजी तुम्हें कभी भी अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम एक छोटी जात की लड़की हो, परंतु अब मुझे पता चल चुका है, तो अब ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। नहीं रमन, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगी। आशा रमन से बहुत मिन्नतें करती है, पर रमन उसकी एक नहीं सुनता और उसे अकेला छोड़कर चला जाता है, और आशा पास के नदी में कूदकर खुदकुशी कर लेती है। तेरी वजह से मैंने खुदकुशी कर ली, इसीलिए मैं तुझसे अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ, और आज सभी को तेरी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। इसीलिए मैंने तेरी बीवी अनोखी को मार डाला और उसकी जगह खुद डोली में बैठकर आ गई। अब मैं तुझे मारकर मुक्त हो जाऊंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रमन को मार डालती है और अपने साथ हुए धोखे का बदला ले लेती है, जिसके बाद आशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।